नमस्कार। बहुत पहले किसी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब भी उन्होंने मुझे दिया, लेकिन उसका जो अर्थ है वो बहुत सालों बाद मेरी समझ में आया। प्रश्न ये था कि आप जिन रिश्तों में हैं या जो रिश्ते आपकी ज़िंदगी में हैं उनसे आपको क्या मिलता है या उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं। जवाब भी उन्होंने दिया कि उनसे हमें उन्नति प्रगति मिलनी चाहिए, ग्रोथ मिलनी चाहिए, और आपको उम्मीद भी ग्रोथ या प्रगति की ही होनी चाहिए। ये तब तो समझ में नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ज़िंदगी में समझ में आया कि हाँ, जितने रिश्ते हमारे आसपास होते हैं वो किस तरह से हमारी प्रगति के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए एक अहम किरदार निभाते हैं हमारी ज़िंदगी में, और वो किस तरह करते हैं ये शब्दों की मदद से। कहने का अर्थ ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो रिश्ते हैं, क्या आप उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है, वो आपके लिए कितने ज़रूरी है, वो आपके लिए क्या मायने रखते हैं। अक्सर बुराई हम बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर बताते हैं, लेकिन अच्छाई को हम अक्सर छुपा जाते हैं। उल्टा करके देखिए, बुराइयों को इग्नोर कर दीजिए और अच्छाइयाँ जो हैं उनको बताने की कोशिश कीजिए, बार बार बताइए। इसका असर आपको अपने सामने देखने को मिलेगा। वो इंसान कॉन्फिडेंस से भर जाएगा, उसका व्यक्तित्व निखर जाएगा, और आप अनजाने में ही एक पर्सनालिटी को ब्लूम करने के लिए, यानी कि एक पूरी पर्सनालिटी को अच्छा बनाने में मदद कर पाएंगे। और आपको खुद को इतनी दिली खुशी होगी जब आप किसी इंसान की इस तरह की ग्रोथ या इस तरह की प्रगति को देखेंगे। छोटे बच्चों के साथ जो हम करते हैं, उन्होंने कैसी भी टेढ़ी दूसरी ड्राइंग बनाई हो, कुछ भी किया हो, हम कितनी तालियाँ बजा के उनका उत्साह बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें लगता है क्योंकि उनकी खुशी उनके चेहरे पर तुरंत दिख जाती है। बड़े लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब हम कोई बुराई करते हैं तो वो अक्सर अपने भावों को छुपा जाते हैं, नहीं बताते हैं, रोते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं, लड़ते झगड़ते नहीं हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम हमेशा उन्हें उनकी बुराई ही बताएं। कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें उनकी अच्छाइयाँ ज़्यादा बताएं। बुराइयाँ तो वो अपनी जानते हैं, लेकिन अच्छाइयाँ बताने वाला भी कोई मिले, ऐसी उम्मीद उनकी हमेशा रहती है। तो ये अर्थ है कि हम किसी की ज़िंदगी में जो रिश्ते हैं उनमें ग्रोथ का या प्रगति का काम कैसे कर सकते हैं। आज जो गीत मैंने आपके लिए लिया है उसके भी शब्दों में यही एक जादू है, और बहुत सिंपल, बहुत प्यारे शब्द हैं, लेकिन बहुत पॉजिटिव शब्द हैं। एक दूसरे को ये बताना कि तुम मेरे लिए क्या हो और तुम मुझसे आगे ही हो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, या तुम ऊपर हो और मैं यहाँ, मतलब इस लेवल पर हूँ। कुल मिलाकर उसका उत्साहवर्धन करना, उसको ये बताना कि तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में होने का क्या अर्थ है और क्यों तुम मेरे लिए ज़रूरी हो। इस गीत को लिखा है भरत व्यास जी ने, गाया लता जी और मन्ना डे जी ने है, और इसका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया है।